नमस्कार। ये है पंजाब का फिर से अलॉटमेंट, और आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं क्योंकि NRI सीट्स हैं। फिर से मैंने आपके लिए एक्सेल शीट कन्वर्ट कर दी। फ्यू थिंग्स जो कि हाइलाइटेड हैं, इंटरेस्टिंग है, पहले आपको वो दिखाता हूँ। तो अगर हम MBBS की बात करें, और मैं प्लीज़ अपने सब दर्शकों से हमेशा कहता हूँ कि देखिए, वीडियो को बहुत लंबा खींचना मेरी फितरत नहीं होती, और ओपन कैटेगरी में हमेशा लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल। ओके, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर मैं सब बताऊं कि ओपन ये है, फिर SC ये है, ST है, OBC है, तो और वीडियो 20 मिनट लंबा हो जाएगा। पर्पस ये रहता है कि आपको एक इशारा करना। अब ये हमारे प्रांजल अग्रवाल जी हैं, नीट में 715 नंबर लाए हैं, ऑल इंडिया रैंक 4। आई एम श्योर कि इनको ऑलरेडी MCC की अलॉटमेंट में क्या मिला होगा, एम्स दिल्ली, राइट। अब क्या एम्स दिल्ली छोड़ के ये लो, ये तो नहीं जाने वाले ना पटियाला। तो और इसी में आपको ना कई चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग नज़र आएंगी, और वो इंटरेस्टिंग ये है कि अभी ये डिसेंटिंग ऑर्डर ऑफ रैंक से है। तो ये तारीफ है सुडाई से पंजाबियों की, कि जो लोग DMC लुधियाना की लेवल को समझते हैं, एक 700 नंबर के बच्चे ने DMC लुधियाना को ऊपर डाला है। एक नहीं, दो बच्चों ने DMC लुधियाना ऊपर डाला है, किससे, बगैर GMC पटियाला के। मतलब जिसको GMC पटियाला मिल सकता था, उसे DMC लुधियाना ऊपर डाला है। सो शायद इनमें से कोई भी बच्चा ना DMC जाएगा ना GMC जाएगा, देखिए मैं नहीं जानता, कहोगे तो फिर भी चेक कर लेते हैं। अब ये नीट मार्क्स रैंक 344 है विनोद अग्रवाल की या जगजीत सिंह की 312, देखते हैं कि इनका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। नीट रैंक 312, राइट। लेकिन पंजाब ना कोई और चीज़ बताता है, और फिर से मेरी वही चीज़, देखो 312 है लड़के को, ऑलरेडी चंडीगढ़ मिला हुआ है, वहाँ से GMC चंडीगढ़, 312 रैंक की बात करें, और इसने पकड़ा है पंजाब में DMC, ये जानते हुए कि अभी बहुत GMC पटियाले की सीटें खाली पड़ी हैं, राइट। सोचिए जरा, मतलब अगर आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर, और वो है सिर्फ मैंने गवर्नमेंट कोटा का फिल्टर लगाया था, और कोई मैंने फिल्टर नहीं लगा रखा था। पंजाब नंबर 2 ने DMC लुधियाना लिया। और जब मेरे पास लोग आते हैं, या आप मेरे नोट कीजिए, जितने आपने मेरे वीडियो सुनोगे, जब मैं तारीफें करता हूँ, आपको बताता हूँ अबाउट इंडियाज टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या टॉप कॉलेजेस ओवरऑल, इमेजिन कीजिए एक पंजाब का बच्चा GMC पटियाला छोड़ के DMC लुधियाना भरो। एक दो नहीं, यहाँ पे पहला पेज ही देखिए, बहुत सारे हैं DMC लुधियाना वाले। पता ही, फीस में बहुत फर्क है। आप 5 लाख भी फीस देते हैं तो मजाक तो नहीं होता है ना। आप 5 लाख भी फीस दे रहे हैं जो यहाँ पे पड़ेगी प्राइवेट कॉलेज में, टोटल मिला के आपके जबरदस्ती आपके 25 लाख जा रहे हैं, राइट। जबकि वही काम आप सरकारी में पढ़ते हो तो आप काफ़ी सस्ते में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 लाख जाते हैं, आधे का फर्क था। पंजाब में सरकारी फीस भी ठीक ठाक है, आप 2 लाख रुपये साल की है। बट इन सबको छोड़ के कि DMC लुधियाना गया है, फिर भी मेरा ख्याल ये डाउट है कि जो थोड़ा और हम नीचे जाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 780, क्योंकि देखिए सरकारी में तो बच्चा में बाबर कहते तो नहीं, अपने स्टेट में जाएगा या बाहर जाएगा। तो जो ऑल इंडिया रैंक 780 है वो बाहर नहीं जाएगा, उसको दिल्ली का मिल गया NDMC कॉलेज, तो शायद वो दिल्ली आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली का कोटा जिंदाबाद। बट फिर भी देखिए, उन्होंने अपने लोकल पंजाब में भी GMC पटियाला के ऊपर DMC लुधियाना भरा हुआ है। 690 नंबर पर ही 826 रैंक पे पहुंच गए हम। तो देखते हैं जी, अब 826 रैंक कहाँ है अगर इस भाई ने भरा हुआ है, और इसको मिला हुआ एम्स बठिंडा, और फिर भी पंजाब में भरा गया है। तो इससे जो जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, और शायद शायद मेरे वीडियो सुन के या अपने आप ही, कि जब सरकारी कॉलेज छोड़ के लोग प्राइवेट ले रहे हैं, तो कोई मुझसे कहता है सर स्टिग्मा होता है सरकारी में पढ़ने, प्राइवेट में पढ़ने का, जो ये कर सकते हैं। बट आई थिंक ये जो समझदार लोग हैं, इन्हें पता है कि अच्छे कॉलेज की क्या क्वालिटी है। और DMC लुधियाना में आपको बार बार कहता हूँ कि डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों में आता है, जिसमें अगर मैं रिपीट कर दूँ फिर से अपनी लिस्ट, अमृता फरीदाबाद, जॉली ग्रांट, श्री गुरु राम राय, MMU मुलाना, MGM जयपुर, हमदर्द दिल्ली, राइट। और इसी लीग में, इन्हीं 6 में अगर आप पंजाब का एक कॉलेज पकड़ेंगे तो DMC लुधियाना आता है, एक ही आता है पंजाब में। टॉप 10 में मैं हमेशा कहता हूँ कि 16 नहीं आता,
तो SRM बरेली था, अगर हम जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, अगर हम ओपन स्टेट की बात करें सो टॉप 10 में पंजाब का DMC लुधियाना, उसके बाद हरियाणा में कोई नहीं है इस लायक। डीम्ड की बात करें तो बिल्कुल तीनों डीम्ड आ गए, अमृता, मुलाना एंड जामिया हमदर्द। हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान से MGM जयपुर ले लेते हैं, हम उत्तर प्रदेश से SRM बरेली ले लेते हैं, हम उत्तराखंड के देहरादून के जॉली ग्रांट और श्री गुरु रामनाथ ले लेते हैं, और शायद हम मध्य प्रदेश का औरबिंदो इंदौर ले लेंगे, आरडी गार्डी उज्जैन ले लेंगे। तो हमारे वो टॉप 10 शानदार कॉलेज की लिस्ट पूरी होगी। और ये आप साबित करो, यही शायद पंजाब के बच्चे आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ऑफकोर्स देखिए इन लोगों ने भी गवर्नमेंट कोटा लिया, पर आप और नीचे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि लोगों ने DMC लुधियाने का मैनेजमेंट कोटा भी ले लेते हैं, दूसरे प्राइवेट कॉलेजों के गवर्नमेंट कोटा से पहले, मतलब डबल फीस खर्च करते हैं, मतलब डबल से भी ज़्यादा। जो मैंने आपको अभी वो दिखाया था पर्चा, देखिए फ़र्क डबल से थोड़ा ज़्यादा का होता है। सरकारी में 4 से स्टार्ट है, मतलब 10 से स्टार्ट है, सो 2.5 गुने का फ़र्क है। लोग फिर भी लेकिन आपको देंगे, दिखाई देंगे आपको DMC लुधियाना लेते हुए, इवन DMC की मैनेजमेंट सीट ले लेंगे पहले कई कॉलेजों की, गवर्नमेंट सीट लेने से पहले। जो लोग जिसे कहते हैं ना हम नीचे चले गए, तो दरमियान से मैंने वो पक्का खो दिया है, DMC लुधियाना की मैनेजमेंट सीट का भी, या तो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट कोटा ही इस समय फिल्टर में चूज कर रखा है। यस, वही मैं सोचूं कि ये आ क्यों नहीं रहा अपना जिंदाबाद DMC। तो आपको देखेंगे कि DMC में लोग 11 लाख की फीस दे देते हैं, जबकि उनको 4 लाख के पंजाब के अंदर कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अभी तो गवर्नमेंट कोटा चल रहा है क्योंकि सारा सरकारी चल रहे हैं, लेकिन जब पहला मैनेजमेंट आएगा तो आप देखेंगे DMC लुधियाने का मैनेजमेंट आ जाएगा। ये देखिए DMC लुधियाना मैनेजमेंट कोटा 608 नंबर वाले बच्चे ने भर दिया, जबकि इसके नीचे अभी काफ़ी गवर्नमेंट कोटास पिम्स जलंधर के खाली पड़े हैं, और DMC के बाद नंबर 2 कॉलेज पिम्स जलंधर ही है फिर से पंजाब में, कुछ को शक नहीं है। और आप इसे लाइन लगा के पिम्स 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 देखेंगे, फिर ज्ञान सागर बनू शुरू हो जाएगा, सबके लिए लिस्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड है। और देखिए सबके गवर्नमेंट कोटा से पहले ही लोग DMC का मैनेजमेंट कोटा काफ़ी उठा रहे हैं, कोई नीचे भी है, लेकिन इन सबको देखिए सरकारी सीट मिल सकती थी, इन सबको न सरकारी फीस मिल सकती थी, और मोटा मोटी 30 से 35 लाख रुपए बच सकते थे, बट यही रेपुटेशन है इन सब की। और जब सब खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में आपको आदेश स्टार्ट होता नजर आएगा, मतलब ये कोई एक आध है। और आई होप कि इस बच्चे को पता है कि आदेश की गवर्नमेंट फीस भी पूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आदेश बठिंडा में कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है, और ये एक अलग से लेटर भी इनका आया हुआ था कि आदेश के अंदर गवर्नमेंट कोटा में भी पूरी फीस ही लगेगी जो मैनेजमेंट कोटा में लगती है। आई होप कि पंजाब वालों को ये बात पता है, तो फिर भी देखते हैं। देखिए जो हमने बात की थी पहले पंजाब का ना सरकारी कट ऑफ देखते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि पंजाब एक बड़ा यूनिक स्टेट है इस सेंस में कि वहाँ पर DMC लुधियाने के लोग पैसे देने को तैयार हैं, तो सरकारी कट ऑफ डजन मैटर टू मच। और भाई देखिए 609 नंबर रैंक, 609 नंबर 24,000 रैंक पे फिलहाल खत्म है, और जहाँ जहाँ की हमने हिमाचल में अभी 70,000 रैंक देखा था, बस यही फर्क है। और इसमें मैं सिर्फ अगर DMC घुसा लूँ तो आप देखोगे कि DMC का जो सरकारी का मैनेजमेंट कोटा भी होता है वो भी आपको पहले ख़त्म होता नजर आएगा, मतलब DMC का मैनेजमेंट कोटा भी देखिए 585 नंबर पे ख़त्म हो गया। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ DMC, जहाँ तक तो ठीक है और मैं मना भी नहीं करूँगा, पर मेरी समस्या कुछ और है। मेरी समस्या आई कि जब ये आप लोग क्या सोच के आदेश बठिंडा के या ज्ञान सागर की मैनेजमेंट सीट ले रहे हो, और आदेश की तो सरकारी सीट भी ले रहे हो, जबकि आपके 70 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, राइट, हॉस्टल वगैरह सब मिला के, और 574 नंबर वाला बच्चा, 568, 565 वाला बच्चा ये भर रहा है, तो मुझे बड़ी हैरानी है, क्योंकि इन सभी बच्चों को तो कस्तूरबा तक मिल सकता है, हमदर्द मिल सकता है, जो कि 80 लाख का ही बजट पड़ता है। मुझे पता है कि इनमें से बहुत बच्चे नहीं लेंगे, और फिर से द कर्स ऑफ फ्री एग्जिट एंड नो डिपॉजिट। तो बाबर कहते हैं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, में नॉर्थ की बात करूं, ये तीनों स्टेट कोई पैसा नहीं लेते हैं ना। उत्तराखंड, राजस्थान ने इस साल से लेना शुरू कर दिया है, यूपी फिर लाख, 2 लाख, 1 लाख जब आप देते हो, बिहार तो आपको थोड़ा सोच समझ के आप चॉइस फिलिंग करते हो। अब ये कमल सिंह औलख जो हैं या पुलकित कपूर हैं, आई डोंट थिंक ये आदेश बठिंडा पे पढ़ने के लिए जहाँ पूरी फीस देनी पड़ रही है, दे विल प्रेफर टू स्टडी इन दिस कॉलेज एंड लिविंग
या अगर मैं ज्ञान सागर बानूर की बात करूं और उसके मैनेजमेंट कोटा की बात करूं सिर्फ, तो बहुत अच्छी अच्छी कट नंबर है ना, बहुत शानदार कॉलेज मिल सकते हैं इन सब बच्चों को, SRM बरेली मिल सकता है, वो सब छोड़ के ये ज्ञान सागर बानूर में पढ़ेंगे मेरा डाउट है। और जो लोग घबरा रहे हैं परेशान हो रहे हैं कि सर कमाल ये हो गया पंजाब में कि राउंड 1 में ही जो कट ऑफे हैं वो तो आसमान फाड़ कर गई हैं, मैंने जो आखिरी सीट इस समय आपको नजर आ रही है ना देश की, वो सोचिए 520 नंबर है पंजाब में ख़त्म है। बट आप कोई चिंता मत कीजिए, और 90,000 रैंक पे कम से कम 100 125 150 नंबर नीचे जाएगा, क्योंकि सब बच्चे आई एम श्योर अच्छे कॉलेज में जाते हैं, हर साल यही होता है। तो इंटरेस्टिंग बात यही थी कि आदेश ही इस कट ऑफ को देख के मत घबराइए, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ DMC लुधियाना एंड अंडरस्टैंड कि जो टॉपर बच्चे हैं जिनको, एक को तो एम्स मिला हुआ है एम्स दिल्ली राइट, किसी को NDMC दिल्ली मिला हुआ है, दिल्ली कोटा जिंदाबाद, तो वो सब छोड़ के वो लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी सीटें खाली होती हैं। हाँ बट उसके बाद ये भी सच्चाई है कि सरकारी में बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि पंजाब में, पंजाब के लिए मैं जो हमेशा हर स्टेट का कहता हूँ, तो वो पहले 5 6 बच्चे जरूर पंजाब छोड़ेंगे, बट उसके बाद अगर मेरे पास GMC पटियाला है तो मैं क्यों जाऊँगा हरियाणा के किसी भी कॉलेज में जहाँ बॉन्ड में फंसूंगा। तो पंजाब भी याद कीजिए, हिमाचल की तरह कोई सरकारी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, कोई रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो सरकारी नहीं गिरता पंजाब में, क्योंकि अदर देन टॉप 5 7 बच्चे जिनका एम्स दिल्ली या उन जगहों पे होगा वो क्यों ही छोड़ेंगे पंजाब को, तो सरकारी नहीं गिरेगी, प्राइवेट बहुत गिरनी चाहिए। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ DMC लुधियाना एंड थस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन, जो पंजाब के लोग समझते हैं जो लुधियाना के आसपास रहते हैं। हमसे संपर्क करना चाहें, शॉर्ट टर्म फुल टाइम काउंसलिंग सर्विस लेना चाहें, कॉल अस ऑन 9643362320, आप जानते ही हैं। फर्स्ट कॉल की फीस 2,500 रुपये रहती है, फेस टू फेस मीटिंग की फीस 5,000 रुपये रहती है, और मैं कल पानीपत जाने वाला हूँ, अपने पानीपत ऑफिस में रहूँ 11 से 5। अगर पानीपत आके मिलना चाहे कोई नॉर्थ हरियाणा पंजाब के लोग हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, कॉल अस ऑन नंबर दिस नंबर एंड बुक योर स्लॉट। शायद एक एक स्लॉट या दो स्लॉट ही बचे हैं, क्योंकि 4 स्लॉट तो फुल हो चुके हैं 45 45 मिनट के। 11 से 5 बैठूंगा मैं वहाँ पे। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।